खटीमा से 3 तलाक का मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी मोहम्मद हलीम ने अपनी पत्नी सायदा रहमान को 3 बार तलाक दिया था। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये पूरा मामला खटीमा के गोटिया क्षेत्र का है, जहां फरवरी 2023 में मोहम्मद हलीम और सायदा रहमान की शादी हुई थी। पीड़िता सायदा रहमान ने बताया कि हलीम शादी के दूसरे दिन से दहेज के लिए उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता था। हलीम का शादी करने का उद्देश्य मात्र इतना था कि उसे जमीन जायदाद पाना था। सायदा ने बताया कि हलीम उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, साथ ही उसके साथ अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाता था। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण वो मायके आ गई थी। परिजनों ने सुलह कराने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन हलीम नहीं माना और उसने 3 तलाक दे दिया और फिर फरार हो गया। सर, मेरी शादी 3 फरवरी 2023 को हुई थी। 5 फरवरी से ही मेरे हस्बैंड मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया था कि मैं दूसरी शादी करूंगा, और मुझे 60 लाख रुपए मिल रहे थे। मेरे पापा ने उसे घर नहीं दिया, तो उसे प्रॉपर्टी चाहिए थी बिजनेस करने के लिए। उसकी यहाँ भूड़ में प्रदीप, डॉक्टर प्रदीप बड़वाल हेल्थ केयर नाम से वहाँ पे लैब है, वो वहाँ पे एक लैब में मतलब लैब है उसकी, वो लैब चलाता था, लेकिन उसका उससे भला नहीं हो रहा था, तो उसे प्रॉपर्टी चाहिए थी बिजनेस करने के लिए। उसने ये सब सोच के मुझसे शादी करी, और 5 तारीख से मुझे फिजिकली मेंटली हर तरीके से टॉर्चर शुरू करना शुरू कर दिया था, इमोशनली भी। और 29 अप्रैल से मैं अपने घर हूँ, फिर 19 जून को मैं गई भी थी एक सुलह करने के लिए, सब लेके गए थे। 13-14 मई को उसके भाई आए, वो लेके गए, 14 मई को वो छोड़ के भी गया। फिर 19 जून को जब मैं अपने फूफा के साथ गई उसकी लैब पे, तो उसने 3 तलाक दे दी थी, जिसमें 4 गवाह भी है। वही इस मामले को लेकर उप निरीक्षक अशोक कुमार ने कहा कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। सायदा रहमान एक महिला है, उसके द्वारा तहरीर दी गई थी कि उसके ससुराल वाले शादी के बाद उसके साथ मारपीट उत्पीड़न कर रहे हैं, और उसके पति द्वारा उसको जो है 3 तलाक देकर घर से भगा दिया। इस पर थाना खटीमा में FIR नंबर 223 धारा 323 और 3 मिनट 4 नहीं जाए, और 3 मिनट 4 मुस्लिम महिला विवाह शिक्षा अधिनियम दर्ज किया, जिसमें जो उसके ससुराल वाले थे वो लोग उसके लिए आया था। और ये लेकिन ये जो मोहम्मद हलीम है उसका पति, ये लगभग 2-2.5 महीने से लगातार अपने घर से फरार चल रहा था, जिससे उसको मान नहीं जा रहे थे, नॉन अवेलेबल वारंट लिया गया, और उसको कल रात में 1 बजे उसके परिजनों की ओर से गिरफ्तार किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 consecutive years, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाई अप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।